नोटबंदी पर सड़क से लेकर संसद तक आज भी रहेगा हंगामा जारी। संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष का भारत बंद आज। भारत बंद के तहत बिहार के दरभंगा में सीपीआईएमएल ने ट्रेन रोक दिया और प्रदर्शन करने लगे। नोटबंदी के फैसले के विरोध में विपक्ष संसद में भी हंगामा कर रहा है, जिसकी वजह से संसद का कामकाज प्रभावित हो रहा है। नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस की जनाक्रोश दिवस के विरोध में जनाधिकार दिवस मना रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो दुकानें खुली थी और जो ऑटो ड्राइवर बंद के खिलाफ अपना काम कर रहे हैं, उन्हें मिठाई खिलाई। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का भारत बंद पर कहना है कि हमने भारत बंद नहीं बुलाया, क्योंकि इससे आम आदमी को परेशानी होती है, हम जन आक्रोश दिवस मना रहे हैं। जिसमें 17-18 राजनीतिक दल थे, उसमें भारत बंद की कोई बात नहीं हुई, लेकिन चूंकि आम जबान में अब लोगों को भारत बंद भारत बंद भारत बंद की आदत हुई है, तो वो आम जबान में उसको भारत बंद कहते हैं। वरना भारत बंद जैसी कोई कॉल हमने दी है। विपक्ष के भारत बंद पर बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का कहना है कि विपक्ष का भारत बंद पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। काला धन के खिलाफ केंद्र सरकार की मुहिम का लोग समर्थन कर रहे हैं। आक्रोश और भारत बंद पूरी तरफ से फ्लॉप हो रहा है। देश के लोग भ्रष्टाचार बंद करना चाहते हैं, काला धन बंद करना चाहते हैं, और कुछ विपक्षी दल कांग्रेस सहित भारत बंद और आक्रोश दिखाना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके काला धन पर एक घात किया है, और उससे काला धन जिनके पास है वो परेशान। भारत बंद पर बोले जेडीयू नेता के सी त्यागी, जनता की समस्या को लेकर आक्रोश हमारे अंदर भी, लेकिन हम सड़क पर नहीं उतर रहे। आक्रोश जनता की समस्याओं को लेकर के हमारे दिल में भी है, लेकिन सड़क पर हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इसलिए हमारी पार्टी ने उससे दूर रहने का फैसला किया। नोटबंदी पर बोले अमर सिंह का, अगर पार्टी का इस बारे में वीफ होगा तो छोड़ दूंगा राज्यसभा की सदस्यता। पार्टी का अगर वीफ होगा तो या तो मैं राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दूंगा अगर मुझे वोट नहीं देना होगा, और अगर मुझे राज्यसभा की सदस्यता से मोह होगा तो मैं डिमोनेटाइजेशन के विरुद्ध वीफ दूंगा ताकि मेरी सदस्यता नहीं जाए। पार्टी ने कहा कि गोला बनाओ सरकार के विरोध में, उस गोले में मैं खड़ा हो गया क्योंकि हमारे बड़े नेता आदरणीय नरेश अग्रवाल ने मुझे आदेश दिया। जेडीयू आक्रोश दिवस में भाग नहीं लेगी। जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी पवन वर्मा ने कहा कि जेडीयू ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले का समर्थन कर रही है, इसलिए इसके विरोध में आयोजित हो रहे बंद में हिस्सा नहीं लेगी। पीयूष जी ने कहा है कि वो नोटबंदी के समर्थक है। अब हम बंद का ऐसे परिस्थितियों में तो हमने कोई समर्थन किया नहीं। हर पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में है वो स्वतंत्र है अपना स्टैंड लेने में। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों और राज्यों के संगठन मंत्रियों की बुलाई बैठक। नोटबंदी पर सभी नेताओं से लेंगे फीडबैक, क्योंकि उत्तराखंड समेत सभी चुनावी राज्यों में पार्टी की तैयारियों पर होगी चर्चा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा, कांग्रेस ने भारत बंद का कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन हम रैली करते हुए विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं पीएम पर निशाना साधते हुए कहा, पीएम धमाके की राजनीति में विश्वास करते हैं। नोटबंदी के बाद पहली बार बोले आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल, कहा हालात पर बनी हुई है आरबीआई की नजर, समस्या से निपटने के लिए उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम। रविवार को पणजी में विजय संकल्प रैली में सीमा सुरक्षा पर बोले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, कहा पिछले 4 दिनों से सीमा पर नहीं हो रही फायरिंग, हमारे जवान दुश्मन को मजबूती से देते हैं जवाब, अमन चैन के लिए गिड़गिड़ाने लगा है दुश्मन। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, बोले दिल्ली में बैठे लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं जबकि हम गांव और लोगों को स्मार्ट बनाना चाहते हैं। नाभा जेल से फरार हुआ खालिस्तानी आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है। मिंटू रविवार को जेल हमले के बाद 6 अपराधियों के साथ फरार हो गया था। दिल्ली पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार कर लिया। नाभा जेल ब्रेक कांड में पहली गिरफ्तारी यूपी पुलिस ने की। यूपी पुलिस ने कैदियों के
भागने में मदद करने के आरोपी परमिंदर सिंह को गिरफ्तार किया। कैदियों को भगाने में इस्तेमाल फॉर्च्यूनर कार और हथियारों का जखीरा भी बरामद। आगरा के डीएम पर आग बबूला हुए सीएम अखिलेश यादव। सुरक्षा कारणों को लेकर गुस्सा हुए सीएम अखिलेश यादव टोल प्लाजा पर नारियल फोड़ने के बजाय गुस्से में सड़क पर फेंका। कैबिनेट मंत्री महबूब अली पर लगे संगीन आरोप। कुख्यात अपराधी शौकत पासा के परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। शनिवार को मुरादाबाद में मंत्री कृष्णदार के पेट्रोल पंप पर हुई थी शौकत पासा की हत्या। हमीरपुर में वर्चस्व की जंग में जमकर बहा खून। पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के बीच जमकर अंधाधुंध फायरिंग में चार मजदूरों की मौत। राठ कोतवाली के अकौना गांव की घटना। बांदा जेल से रंगदारी मांगने के मामले पर सख्त हुई पुलिस। मामले की जांच के लिए पुलिस ने बांदा में डाला डेरा। 8 अक्टूबर को बांदा में जेल के अंदर से व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की मांगी गई थी फिरौती। सहारनपुर पुलिस ने प्रेमी जोड़े को बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के जरिए पुलिस ने पकड़े आरोपी। आरोपी प्रेमी जोड़ों का वीडियो बनाकर उन्हें धमकाते थे और उनके साथ लूटपाट करते थे। बुलंदशहर में धान की पुआल से भरे चारपहिया वाहन में अचानक आग लग गई। हादसे में बाल बाल बची ड्राइवर की जान।